हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके का है, ठीक है, स्टैटिक जीके का है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के बैंक में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें और चीज़ें को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कहाँ से और किस लेवल का आता है मेंस में। ये चूँकि मेंस में पूछा जाएगा तो आपके सामने भी IBPS PO मेंस का पेपर होने वाला है, ठीक। उसके बाद आपका IBPS क्लर्क का भी मेंस होगा जब दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स के बाद जनवरी में। और बहुत सारे अभी बैंक के हैं, जैसे कि आपका वैकेंसी चाहिए कैनरा बैंक की बात करें, ठीक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी होगी और तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आइए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या था, वेयर इज द पन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड। तो आंसर इसका है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा मध्य महानदी रिवर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF। आगे बढ़ते हैं, द फोक डांस फुर्गी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिन इज द लार्जेस्ट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। आंसर होगा एस्टोनिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इंडिया 2017 ईयर बुक इज ऑथर्ड बाय। आंसर होगा राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड। आंसर होगा लंदन, UK, ओके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन लोकेटेड। आंसर होगा बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में है। आगे बढ़ते हैं, बालफक्रम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। आंसर होगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच इंडियन स्टेट अचांकमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। तो आंसर होगा मुगली डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन। तो आंसर होगा राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ मीगा, इसका फुल फॉर्म है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्वे इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा चेक गणराज्य। आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका है, तो संजय मांजरेकर का है, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी जर्सन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन। आंसर जो होगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक इज अ सिटी इन द ईस्टर्न इंडिया इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। कटक सिटी इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आंसर होगा महानदी रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। तो आंसर होगा इसका रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर इज अ मैन मेड रिजर्वायर सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SIDBI। तो आंसर होगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इम्फाल इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर जो इम्फाल की कैपिटल है, मणिपुर एक स्टेट है जिसका कैपिटल इम्फाल है। द रियाल इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया का जो करेंसी है, क्या नाम है उसका, रियाल, ओके। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन। आंसर होगा रोम।
इटली में है। ठीक, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2018? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका, चूँकि लास्ट एस जो कि साउथ अफ्रीका को डिनोट करता है और जहाँ भी इस साल 2018 में जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड वो सारे वो हैं साउथ अफ्रीका में, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बगलीहार डैम लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो बगलीहार डैम आपका है कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन? आंसर होगा ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सोमालिया डैम लोकेटेड? तो सोमालिया डैम आपका जो लोकेटेड है इन विच स्टेट, द स्टेट नेम इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेम इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इज ऑटोग्राफी ऑफ विच? नेम इज मारिया शारापोवा, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, ये एक टेनिस प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकजाविक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नाम है इसका आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इज इन तो ये कहाँ पे है, रांची में है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स है रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेम इज हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नेम इज अलकनंदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर 3rd मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? द स्टेट नेम इज मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता केव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेम इज महाराष्ट्र। द कैपिटल ऑफ लटविया इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ लताविया? नेम इज रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्रैक्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकिस इंस्टीट्यूट इज इन वेयर? तो ये चेन्नई स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज इन तो विच टाउन? पुणे, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी लहरी इज तो चांदी लहरी का संबंध किन से है? तो ये एक कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, OPCW हेडक्वार्टर इज इन हेग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखने को बना था प्रीवियस ईयर पेपर में, कि लखवार डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? नेम इज उत्तराखंड। तो देख रहे हैं अभी तक बहुत बार डैम का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इस क्वेश्चन को या फिर डेट का आ चुका है। तो ये डेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैम, ये कॉमन सा क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते हैं मेंस में, तो जरूर याद कीजिएगा। कंट्री नेम, करेंसी नेम इसका और हेडक्वार्टर को जरूर फोकस कीजिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटहोम? स्कॉटहोम का जो कैपिटल है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर सिचुएटेड इन विच ऑन विच रिवर? नेम इज नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि गोल गुम्बज इज इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये गोल गुम्बज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लिली फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो स्टेट का नाम है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर May 29 इज सेलिब्रेटेड एज? नेम इज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पेसमेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजपुर इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नेम इज सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई इज ऑब्जर्व एज विच डे? द डे इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई स्टैंड फॉर इन UNIDO? आई फॉर इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज द मोती बाग स्टेडियम? तो मोती बाग जो स्टेडियम है गुजरात में है। सिपत थर्मल पावर कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, इसका आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे थीम जो कि इसका होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरी ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो वो उड़ीसा में है। बत्र रिवर ट्रिब्यूटरी कहाँ है, तो कृष्ण नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्टेटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, नेम इज 29th June। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB, नेम इज बीजिंग, जो कि चाइना में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क डेवलपमेंट फंड, इसका आंसर होगा थिम्पू, जो भूटान में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्र सागर डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और सिटी, नेम इज नर्मदा रिवर एट नर्मदा नगर मुंडी इन द कांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर इज उत्तर प्रदेश, जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। मलाबो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, नेक्स्ट नेम इज इक्वेटोरियल गुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यू स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी, जो न्यू स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ओपन हुआ किस स्टेट में हुआ है, किस, तो नेम होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरोसा सेंटर्स आर इन विच सिटी ऑफ इंडिया, आंसर इज हैदराबाद। वेन इज वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेटेड 27th June 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, नेम इज पेरिस, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पटरा 2 थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर होगा झारखंड। व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे 2018, आंसर होगा इसका योगा ऑफ पीस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, आंसर इज मनीला, जो कि फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द महानदी रिवर इन विच स्टेट, तो स्टेट का नाम है उड़ीसा, जो कि महानदी रिवर पे है। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, स्टेट नेम इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाका इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, कंट्री नेम इज जाम्बिया। व्हाट डज W स्टैंड फॉर इन साव, SAWEN, नेम इज वाइल्ड लाइफ साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, भोपाल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज बोगी बिल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, स्टेट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2018, नेम इज बिग कैट प्रीडेटर अंडर थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, नेम इज बिजनौर, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एस्ट्रल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, द डे इज 13th June। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्लांट विच स्टेट, नेम इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत गणपत नडकर्णी हु पास्ड अवे इन जुलाई 2018, ही वाज इंडियन नेवल चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज H स्टैंड इन HDI, H स्टैंड फॉर ह्यूमन एंड फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल फेस्टिवल बेहिंखल्म 2018 वाज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट ई बेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट विल कम अप इन, आंसर इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत QR कोड नेम इज NPCI। द थीम ऑफ लिटरेसी वीक बाय RBI, नेम इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ PM इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, नेम विवेक देव रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रेडिशनल संग्राई डांस परफॉर्म्ड इन द सेरेमोनियस रिपब्लिक डे परेड इन 2018, संग्राई डांस इज एसोसिएटेड इन विच विथ विच स्टेट, नेम इज त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Headquarter of NDB, New Development Board, name is Shanghai. Next question, Raman Magsaysay winner Bharat Batwani was related to which field? Name is Psychiatrist. Next question, International Literacy Day theme was Literacy and Skill Development. Next question, Dilip Trophy is related to which sports? Name is Cricket. Next question, No Spin is autobiography of which cricketer? Name is Shane Warne. Next question, moving on, moving forward, a year in office has been authored by Vice President, name is M. Venkaiah Naidu. Next question, 21st August is celebrated by UN for International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Next question, Bogibil Bridge on which river? Name is Brahmaputra. Next question, Bulgaria capital? Name is Sofia. Where is the Lakhva Dam? Name is Uttarakhand. Next question, Lipa Asrang Wildlife Sanctuary? Name is Himachal Pradesh. Next question, Kofi Annan has died recently. He belongs to which country? Name is Ghana. Next question, Bajrang Punia is related to which sport? He was freestyle wrestler. Where is the headquarter of World Bank located? Washington DC, जो कि USA में है. Where is the headquarter of UNESCO located in which country? France, जो कि Paris शहर में है. Next question, Biplab Kumar Deb is the chief minister of which Indian state? Name is Tripura. Next question, Justin Trudeau is the prime minister of which country? Name is Canada. Next question, who is the chairman of SEBI? SEBI is the chairman of the name is Ajay Tyagi. Next question, World Red Cross Day is observed on which date? 8th May. Next question, Rana Kapoor is the CEO of which of the following bank? Name is Yes Bank. Next question, what is the currency of Denmark? Name is Krone. Next question, what is the full form DRDO, Defense Research and Development Organization? Next question, Backhill term used in which of the following sports? Next name is football. What is the currency of Argentina? Name is peso. Next question, Prague is the capital of which country? Czech Gonaraj or Czech Republic. What is the full form of UNCTAD? UNCTAD's name is United Nations Conference on Trade and Development. Next question, Bhimbetka is located in which state? Name is Madhya Pradesh. Next question, every year Kalidas summon given by which Indian state? Name is Madhya Pradesh. Next question, Ajanta cave are located which state? Name is Mumbai, jo ki Maharashtra mein. What was the theme of National Voters Day? Name is Accessible Election. Next question, 13 February celebrated as which day? Name is World Radio Day. Next question, International Yoga Day is celebrated on which date? 21st June. Next question, Ganeshi Lal is the governor of which state? Name is Odisha. Next question, Kathak is a classical dance from which state? Name is Uttar Pradesh. Next, ek word hota hai Kathakali, theek, Kathakali, jo ki Kerala ka hai, theek hai, dono mein difference aap dhyan rakhiyega, theek hai. Kathakali Kerala se related hai aur Kathak jo ki UP se related hai, dono ek classical dance hai, theek. Next question, who is the current CEO of IPPB? Name is Suresh Sethi. Next question, Gangtok is the capital of which Indian state? Name is Sikkim. Sikkim ke jo capital hai wo Gangtok hai. Next question, where is the headquarter of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons located? Name is The Hague, Netherlands. Next question, where is the Satkosia Tiger Reserve? Name is Odisha. Next question, the name of the bridge in Jammu Kashmir, Chenab Bridge. Next question, the world's longest sandstone cave named Krem Puri was recently discovered in which Indian state? Name is Meghalaya. And next question is, who is the chairman of BSE? Name is S. Ravi. And next question is, which is the chairman of SEBI? Again, name is Ajay Tyagi. Next question is, Indian Army Day is celebrated on which date? Name is 15 January. And next question is, who is the CM of Himachal Pradesh? Name is Jairam Chakur. And next question, Harela Festival is celebrated in which state? Name is Uttarakhand. And next question, Paruparli
Kashyap is related to which sport? Belongs to badminton. Next question, where is the headquarter of the International Maritime Organization? Headquarter is London. Where is the headquarter of SIDBI? Lucknow. Zagreb is the capital of which country? Croatia. Theek. Next question, where is the headquarters of Indian Army East Region? Name is New Delhi. And next question, which organization is sole reinsurer of India? Name is General Insurance Corporation of India. Manama is the capital of which country? Bahrain. Next question ki aur badhte hain. Next question hai, Commonwealth Games 2018 were held in which country? Gold Coast, jo ki Australia mein hai. Which person has been appointed as first CFO of RBI? Name is Sudha Balakrishnan. Next question, who has become first woman firefighter in Airport Authority of India? Name is Tania Sanyal. Next, who is the Prime Minister of Australia? Name is Scott Morrison. And next question, 145, which Jain Muni has passed away recently? The Jain Muni name is Tarun Sagar. He is very famous. He was very famous. वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि महान और बहुत ही फेमस रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं और कटु बचत के लिए वो जाने जाते थे. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड ऑन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? व्यक्ति नहीं संकल्प श्री किशोर मकवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? नेम इज वचेंद्री पाल. इज़ एन इंडियन माउंटेनियर who in 1984 became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Next question, and this video of last three question is, Lakshya Sen is related to which sport? Name is badminton. Venue of Asian Games 2018, Indonesia. And last one of the last one of this video, the question is, the capital of Sikkim is again Gangtok. So guys, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना. और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ है आपको बताई गई है, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन है और ये 150 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि आपका अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS क्लर्क की बात करें, IBPS RRB क्लर्क कुछ फर्क यहाँ पर बात करते हैं. सबसे पहले कि SBI क्लर्क की बात करें, SBI PO की बात करें, RRB क्लर्क की बात करें, RRB PO की बात करें, तो इन सभी में भी ये सवाल पूछे गए हैं. तो आई होप कि इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर IBPS क्लर्क की बात करें मेंस में, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो ये दो तीन चीज़ जो पॉइंट हैं, जैसे डैम हो गया, ठीक है, डेट हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक, और फेमस जो पर्सन होते हैं, फेमस पर्सन, तो ये जो 5-6-7 पॉइंट है जो आप नोट कर लें. फिर स्टेट गवर्नर हो गया, स्टेट गवर्नर, ठीक, और फिर कंट्री प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते थे, इन पे फोकस ज़रूर अभी से करें. और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चीज़ के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.